खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे संजय सिंह, उस टाइम का वीडियो। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराई जाए। चोर की जांच नहीं कर सकता, हत्या के सरगना हत्याओं की जाँच नहीं कर सकते। हाईकोर्ट की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। योगी का बुलडोजर विकास का नहीं, विनाश का बुलडोजर है। ये हम नहीं, ये संजय सिंह कह रहे हैं। बुलडोजर मौत का बुलडोजर चला के हत्या। आज मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूँ। पति झुलस गया, माँ बेटी की मौत हो गई, बेटा चिल्लाता रहा मेरी माँ जल रही है, मर रही है। और ये पूरा तमाशा आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन के सामने हुआ। पुलिस महकमा मौजूद था और उसके सामने ये घटना हुई। तो किसको दोषी? ऐसी घटना की कल्पना आप हिंदुस्तान की धरती पे नहीं कर सकते। ये कोई तालिबान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। आदित्यनाथ जी को ये समझना होगा, यहाँ बुलडोजर से लोगों की जान लेने का अधिकार आपको नहीं है। ये हत्या है, योगी सरकार के द्वारा की गई हत्या है। तो और इसलिए इसमें उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो लोग इस हत्या में शामिल हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा हो, उनको जेल में डाला जाए, उन्होंने उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और इसकी जांच हाई कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। चोर चोर की जांच नहीं कर सकता, हत्यारों के सरगना हत्या के मामले की जांच नहीं कर सकते। इसलिए इसकी हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में, उसकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। योगी का बुलडोजर विकास का नहीं, विनाश का बुलडोजर है। बगैर ग्राम सभा की सहमति के, बगैर प्रधान की सहमति के एक दीक्षित परिवार को कुचल दिया गया। कृष्ण गोपाल दीक्षित की माँ और बेटी दोनों की हत्या योगी सरकार के द्वारा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।